हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है एग्जाम में लिखना कैसे है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत सारी सी मिस्टेक कर देते हैं जिनसे उनके अच्छे नंबर नहीं आते। हमारे टीचर बताते हैं कि अच्छा पढ़ने से अच्छा नंबर आ जाते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करता है कि बेटा लिखना भी अच्छा पढ़ता है। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है लिखने में। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट है, वो भी ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके बेकार नंबर आते हैं। तो इसमें मैं टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा, जिसको अगर आप ढंग से यूज करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके जो नंबर है बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड यूज किए हुए हैं, मेरे बहुत सारे जूनियर यूज किए हुए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी मेरे यूज किए हुए हैं। मतलब मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से यही इसी फॉर्मेट में एग्जाम देते चला आया हूँ। चाहे बीसीए किया था मैंने एमसीए किया है। मेरी गंदी राइटिंग है, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग है, लेकिन उसके बाद भी मैंने टॉप किया है। ठीक है, तो इसी कारण अगर आप स्टडी को फॉलो करते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके भी नंबर अच्छे आएंगे, भले आपकी राइटिंग बेकार ही क्यों ना हो। चलिए, पहला पहला है हमारा हमारा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट कहता है पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर। मतलब अगर आप टेक्निकल कोई भी पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, खास करके जैसे जो भी बीटेक के हैं, बीसीए के हैं, जो भी आप टेक्निकल पेपर दे रहे हो, टेक्निकल पेपर में कभी भी आपकी ग्रामर नहीं चेक की जाती, कभी इंग्लिश नहीं चेक किया जाता, आपका नॉलेज चेक किया जाता है। तो उसमें आपको हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखना है। एग्जाम्पल ये जैसे लिखा है व्हाट इज एस्टिमल, तो मैंने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, सेम चीजें मैंने पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अगर इसी को मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूं तो बताओ ये अच्छा है लग रहा, देखने में अच्छा लग रहा है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, बीच में आप एक लाइन का गैप दे सकते हो। गैप देने से क्या होगा, आपको कम लिखना पड़ता है, पेज जल्दी भरते हैं, देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर जो उसको चेक करेगा उसको भी लगेगा बेटा लड़का हीरो है। ठीक है, जिससे उसको अच्छे नंबर देने में बहुत ही आसानी होती है। कोई कोई भी एग्जामिनर अगर आप सोच रहे हो कि जब आप जो चेक करता है, कॉपी चेक कर रहा है, वो 60 बच्चों का कॉपी चेक कर रहा है, हर हर कॉपी में 30 से 35 वे लिखे गए हैं, और आप ये सोच रहे हो कि हर हर जो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के वो चेक करेगा, तो बहुत गलत सोच रहे हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि हर चीज वो पढ़ के चेक करे। आपके रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप उसको पढ़ाना क्या चाहते हो जिससे उसको अच्छा, आपको अच्छा नंबर वो दे पाए। ठीक है, तो आप मैं बताऊंगा कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उससे नंबर लेना है, ये चीजें मैं आपको मैं सारे वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट के 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो पहला पॉइंट क्या, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखने का नंबर आपको कम लिखना पड़ता है, पेज जल्दी भरते हैं, बीच में इसके बीच में आप एक गैप, एक लाइन की गैपिंग दीजिए, हर के पॉइंट के बीच एक लाइन की गैपिंग दीजिए, दिखने में सुंदर लगता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट, मेक मोर हेडिंग। जितना हेडिंग बना पाओ, जितना हेडिंग बना पाओ, जबरदस्ती का हेडिंग बनाओ। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये चीजें है, इंट्रोडक्शन में डाल दिया, यहाँ पर व्हाट इज एस्टिमल डाल दिया मैंने, यहाँ पर आगे चल के एस्टिमल लॉन्च कब लॉन्च वो डाल दिया, एस्टिमल लेटेस्ट वर्जन डाल दिया, यूज्ड फॉर डाल दिया, वाई एस्टिमल डाल दिया। तो इसमें बहुत सारे जगह ऐसा होता है, बहुत छोटे छोटे हेडिंग बना सकते हो, जितना हेडिंग बनेगा उतना लिखने में आपको आसानी होगी, उतना देखने में अच्छा लगता है। ये सब चीजें कंटेंट देखने में अच्छे लगते हैं, एग्जामिनर को हेडिंग देखता है, हेडिंग से समझ जाता है कि अंदर आपने क्या लिखा होगा, तो उसको नंबर देने में बहुत आसानी होती है। तो हेडिंग भी ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश की जाए आपकी तरफ से, आप बन सकते हो, अगर आप ट्राई करोगे बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल का बना, एक क्या देखो एग्जाम्पल भी अच्छे से दे दोगे, अगर हर चीज में एग्जाम्पल दो, कुछ भी दो, कुछ भी बकवास लिखो एग्जाम्पल में, ठीक है, मतलब रिलेटेड टॉपिक लिखोगे, अब ऐसी बात ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, तो एग्जाम्पल देने की कोशिश करो हर चीज का, उसको लगता है कि एग्जाम्पल अगर दिया तो मतलब आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी खासी है, तो नंबर अच्छा देकर निकलेगा। ठीक है, टेन थर्ड पॉइंट, फिगर बिग क्लियर एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से फिगर बनाएंगे, फिगर बनाया, ये बीच में छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर क्या लिखना है छोड़ दिया, ठीक है, छोटा सा बना देंगे फिगर, उसके बाद बकवास लिखेंगे। भैया जब फिगर ही यहाँ पर इनकम्प्लीट होगा तो एग्जामिनर यही तो समझेगा कि आपने जो थ्योरी लिखा हुआ बकवास ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं कि आपका एक एक पॉइंट पढ़ के आंसर देगा कि आपने लिखा क्या है। तो फिगर को आपको इस तरह से बनाना है, बड़ा बनाना है, कंप्लीट बनाना है, और बॉर्डर बना करके नीचे फिगर की हेडिंग दे दीजिए, देखने बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपने ढंग से फिगर बनाया हुआ है तो एग्जामिनर हो सकता है आपका थ्योरी पढ़े ही ना, आपको उसी पे नंबर अच्छा दे दे, बाकी अगर रिप्रेजेंटेशन जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ऑटोमेटिक आपको अच्छा नंबर मिलता है।
बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फिगर कम्बिक बड़ा होना चाहिए, कंप्लीट हो जाइए, और जो है अच्छे से बॉक्स में बना करके नीचे फिगर की हेडिंग दीजिए, अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट शुड बी क्लियर एंड वेल फॉर्मेटेड। होता क्या है, अब दो ये है देखने में, ये मान लो चार अलग अलग पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है, ये चार पेज है। अब ये पेज देखने थोड़ा सही लग रहा है, अगर मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट स्टार्टिंग में चार पेज लिखूं कि जहां पर यहाँ पे आपने क्रास लगाया, छोड़ दिया, फिर यहाँ छोड़ दिया, बीच में क्रास लगाई, ये इस तरह से लाइन काटा है, तो अब होगा क्या, एग्जामिनर भैया मूड के ऊपर है उसका, मान लो बीबी से लड़ाई करके आया है, या आपसे पहले जिसकी कॉपी चेक की वो घटिया घटिया लिखा था उसने, तो अब वो जब ऐसे देखेगा तो समझेगा आप भी उसी तरीके से हो, डिफॉल्टर टाइप के हो, कि बस स्टार्ट में गलत लिखा, तो भाई लास्ट में क्या लिखोगे, जब स्टार्टिंग आपने गड़बड़ की है भैया, तो फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत दे दिया है, तो एग्जामिनर अब लास्ट तक जितने नंबर देगा सब बेकार ही देगा। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज, कम से 5 से 6 पेज आपको बहुत अच्छे से वेल फॉर्मेट में अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है, वहां पर कोई काटपीट नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए, एग्जाम्पल दो, फिगर बनाओ, हर चीज बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो स्टार्ट अच्छा होगा तो 100% आगे चल के वो अच्छा नंबर देता जाएगा, ठीक है। इंप्रेशन अगर आपने बना लिया, मतलब समझो एग्जामिनर से कॉपी खोले स्टार्ट में देखे तो उसको ये लगना चाहिए आप ही टॉपर हो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, स्टार्टिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू मेक मोर फिगर, ठीक है, कैसे ज्यादा ज्यादा फिगर बनाया जाए वो ध्यान दो, कैसे फिगर बना सकते हैं, अब दो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो हम लिखने का तरीका ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, पैन लाइन मैन इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इस तरह से बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट कर दे, नीचे फिगर का नाम लिख दें, तो इससे क्या होगा, देखने में अच्छा लगता है तो और रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, एग्जामिनर को लगता है हाँ आपने अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ है तो कुछ सेम टू सेम, लेकिन क्या होता है फिगर बनाने से रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, प्लस स्पेस भी ये लेता है, तो आपको जो कॉपी भरनी होती है बहुत एग्जामों में वो चीजें आपको कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरह से ट्राई करिए फिगर बनाने की, जहां बन पाए वहां फिगर बनाइए, ट्राई करिए, आराम से अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, हमेशा याद रखिए कि जो नया क्वेश्चन चालू करिए वो नया पेज से चालू करिए, ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने नहीं दिया हुआ है तो बस ये समझे, जो भी आप नया क्वेश्चन एग्जांपल चालू करिए वो हमेशा नए पेज से चालू होना चाहिए, ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालिए या तो आंसर आंसर 1, फिर उसके बाद एक उसके अंडरलाइन लगाइए, फिर आप क्वेश्चन लिखना चालू करिए, इस तरह से आप जो है लिखेंगे तो अच्छे से आपको नंबर मिलता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, 7 पॉइंट का अननोन आंसर एट लास्ट, बहुत सारे बात ऐसे होते हैं जो अच्छे से टॉपर स्टूडेंट भी होते हैं, जो अच्छा अच्छा कर रहे होते, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उनके भी हिसाब से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उनको नहीं मालूम होते, या तो मालूम होते तो बहुत कम मालूम होते, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जो है लास्ट में करिए, स्टार्ट में बकवास नहीं लिखना है, स्टार्ट में आपको हमेशा 4-5 पेज ऑलरेडी बता दिया अच्छे से लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आते ऐसा नहीं छोड़ना नहीं उसको, लास्ट में लिखिए, लास्ट में प्रॉपर हेडिंग डालिए उसका, ठीक है, थोड़ा बहुत बकवास लिखिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि जो लगे कि इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखिए, अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो भी करना है बकवास लास्ट में करना, स्टार्ट में मालूम चल जाएगा हमने उसको आप बेवकूफ बना रहे हो एग्जामिनर को तो गड़बड़ कर देगा, स्टार्ट से फिर नंबर जो देना खराब करेगा तो लास्ट से खराब ही देता रहेगा, ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा अच्छे होने चाहिए, अननोन स्टूडेंट जो भी आंसर नहीं आ रहे उनको लास्ट में ही करना, आपको करना जरूर अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ लिखो लेकिन लास्ट में लिखो। नेक्स्ट टाइम फ्रेम, ये बहुत लास्ट के 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने में, ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, तो टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम होना चाहिए फॉर क्वेश्चन और वॉच, जो मतलब घड़ी एक लेके जाओ भैया, ठीक है, एक वॉच होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, एक घड़ी ले लो, हम तो मैं एमसीए कर रहा था, मैंने 100 रुपये में कभी घड़ी पहनता नहीं था वैसे, लेकिन हमने एग्जाम के लिए 100 रुपये की घड़ी खरीदी थी, जो 3 साल चलाया मैंने उसको आराम से, ठीक है, चल गया, पता नहीं कैसे चल गया, वो गलती से चाइना माल था लेकिन चल गया, ठीक है, तो घड़ी रखो, घड़ी सामने रखो, टाइम हर क्वेश्चन के लिए टाइम सेट करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारे भी नया पैटर्न से एलयू में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, एनी 5 करना होता है, 5 क्वेश्चन करने, अब 5 क्वेश्चन करने हैं हमारे पास टोटल 180, 3 घंटे का, तो 180 मिनट मिल रहे हैं हमको, अब क्या करना है, ईच क्वेश्चन हमने 170 डिवाइड बाय 5 किया तो 34 मिनट मिले, अब सोचो सर जी 10 मिनट कहां खा गए अब, ठीक है, 10 मिनट में से 5 मिनट में उस पर करता हूं, जो स्टार्ट में आपको 4 से 5 पे अच्छे लिखने हैं, तो 5 मिनट आप वहां स्टार ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्ट अच्छी करनी है, तो 5 मिनट वहां स्टार ले, ठीक है, और 5 मिनट क्या करना है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, 5 मिनट में क्या करना है, 5 मिनट पहले एग्जाम खत्म करना है आपको।
नेक्स्ट, जैसे मान लो आपको क्या है, मान लो एक क्वेश्चन के दो पार्ट है, दो पार्ट होंगे तो हर पार्ट का 17-17 मिनट होगा, अगर चार पार्ट होंगे हर पार्ट का 8-8 मिनट होगा। तो इस अगर हर क्वेश्चन को टाइम फ्रेम में डालो, टाइम फ्रेम में डालने से क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन आपके छुटेंगे ही नहीं, ठीक है। उतने जितना उसका मिनट कंप्लीट हुआ, मान लो मैंने 10 मिनट का लिखा हुआ था, 10 मिनट कंप्लीट हुआ तो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाओ भैया, बर्बाद मत करो टाइम, ठीक है। टाइम बर्बाद करोगे तो लास्ट में दिक्कत होगी, बाद में होता है लास्ट में सोचते एक मिनट में सब कुछ लिख डालेंगे, ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ करोगे। अब इसी बात है तो हर टाइम फ्रेम होना चाहिए, हर क्वेश्चन को इतना टाइम देना, ये चीजें फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईगो फॉर आंसर। ईगो मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ईगो का मतलब होता है कि जैसे सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि जो कुछ होशियार स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो 4-5 पेज में उन्होंने लिख के रखा था, नोट्स बनाया था, 4-5 पेज में लिखा, अब एग्जामिनर ने क्या किया, 3 नंबर में पूछ लिया, छोटे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया। अब हमने लॉन्ग आंसर में पढ़ा था, हमको 4 पेज लिखने के लिए था कि 4 पेज लिख सकते थे उस क्वेश्चन के लिए, अब यहाँ उन्होंने 3 नंबर पूछा तो एक ही पेज लिखना है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, तो जो अच्छे होशियार स्टूडेंट होते हैं वो सोचते अच्छे से लिखेंगे इस चीज को। अब उसको अच्छे से लिखने के लिए क्या होता है आपका, कि आगे क्वेश्चन का जो टाइम था उसमें आपने उसको उस क्वेश्चन में बर्बाद कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन को अगर 1 पेज प्रॉपर लिखोगे तो आपको वो नंबर दे देगा, अगर आप 4 पेज लिखोगे तो 3 में से आपको 10 नंबर नहीं दे देगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर क्वेश्चन था। तो टाइम ही बर्बाद करना है आंसर पे आपको, अगर टाइम जितना टाइम आपने प्रॉपर सेट किया हुआ है उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है किसी क्वेश्चन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट के लिए मैं अपना एक क्वेश्चन भी छोड़ सकता हूं अगर ये पॉइंट कवर नहीं हुआ तो, ठीक है। 5 मिनट पहले मैं बताया कि 5 मिनट 10 मिनट वहां पर, 5 मिनट मैंने बताया कि स्टार्ट में अच्छा लिखने के लिए, और जो 5 मिनट पहले पेपर आपको खत्म करने हैं वो किस लिए खत्म करने हैं, इस पॉइंट के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके आप जो है अच्छा नंबर नहीं पा सकते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। तो इसमें क्या होगा, अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे यहां पर मैंने देखा, यहां पर जब इस तरह से आप अंडरलाइन करते हो या हाईलाइट कर देते हो इस सेक्शन को पूरे को, तो क्या होता है, एग्जाम में जब कॉपी चेक करने आता है, ठीक है, तो वो पूरा बकवास नहीं पढ़ता, वो देखता अंडरलाइन देखा, हाथ से लिखा, अंडरलाइन देखा, तो मेन वर्ड वो पढ़ लेता, वो समझ जाता है इंटरनली आपने क्या बकवास लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ है, वो सब समझ जाता है। तो इस स्ट्रेटजी से क्या होता है कि आप इंटरनली क्या लिखते हो आप थोड़ा बहुत हाइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने जो हाईलाइट किया हुआ है उस चीज पे ही एग्जामिनर का फोकस जाता है, तो जिससे आपको अच्छे नंबर पाने के चांस बहुत बन जाते हैं। तो याद रखिए, 5 मिनट क्वेश्चन, हर ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन लिखने के बाद आप पेन चेंज करो, अंडरलाइन करो, फिर चेंज करो, अंडरलाइन करो, ऐसा नहीं करना है। पूरा पेपर लिख डालिए आप, लास्ट के 5 मिनट पहले आप पेपर खत्म करिए, ऑलरेडी मैं बता दिया था, खत्म करिए और आप मार्कर उठाइए, तो अगर मार्कर अलाउ होता है एग्जाम में तो अलाउ करिए, तो अदरवाइज ब्लैक पेन आपको अलाउ होता ही है। ब्लैक पेन से जो जो वर्ड आपको स्टार्ट से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हर क्वेश्चन के, वो वर्ड आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं पूरा पूरा प्रिंट कर डालिए पूरे उसको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसी को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दीजिए, 100% मैं कर रहा हूँ अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर अच्छा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी, ठीक है। इस तरह से और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।